ज़िंदगी बदल गई हस्बैंड के जाने के बाद, और ऐसा लगा कि ज़िंदगी रुक सी गई है। शॉक वैल्यू बहुत था, अब भी है, यू नो द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट यू लीड कैन नॉट बी जस्ट क्राइंग। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड थे जो वो पास्ट अवे सम टाइम बैक बिकॉज ऑफ अ हार्ट अटैक, सडन हार्ट अटैक। मेरे दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी, एक बहू और एक सन इन लॉ, तो कंप्लीट फैमिली। ज़िंदगी बदल गई हस्बैंड के जाने के बाद, और ऐसा लगा कि ज़िंदगी रुक सी गई है, और समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। लेकिन बेटे को वापस शिप पे जाना था, मेरा बेटा मर्चेंट नेवी में है, मेरी बेटी जो है वो एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती है, तो क्योंकि मैं रुक सी गई थी तो मेरे बच्चों के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो आई कुड सी देम वेरी वरीड अबाउट मी। तो मेरा बेटा बार बार ही बोलता था कि आप ऐसे करोगे तो मैं कैसे जाऊँगा काम पे। मेरी बेटी बोलती थी कि मैं कैसे आगे काम करूँगी। मेरी डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, सब दे गॉट वेरी वरीड की। एंड देन आई रियलाइज कि कब तक उस चीज़ को मैं पकड़ के बैठूँगी। ठीक है, शॉक वैल्यू बहुत था, अब भी है, बहुत दर्द बहुत होता है, लेकिन आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो वन फाइन डे आई गॉट अप और मैंने कहा बस अब ज़िंदगी को वापस, जो कहते हैं ना, ज़िंदगी की डोर को अपने हाथ में लेना है, और जो काम वो अधूरा छोड़ के गए थे वो करना है। तो आई टुक अप माई हस्बैंड्स बिजनेस, और मैंने एक्टिंग को थोड़ी देर का ब्रेक दिया और अपने हस्बैंड को के बिज़नेस की तरफ ध्यान दिया। और अभी तक मैंने वापस एक्टिंग शुरू नहीं की है, लेकिन अब शुरू करने की कोशिश है और दिल भी है, अब करूँगी। अब बिज़नेस थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो गया है, समझ में आ गया है क्या करना है। तो अगर आप मेरी ज़िंदगी के दूसरे पड़ाव की बात करेंगे, जब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, तो ये वो पल था। ऐसा लगता था कि इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इंसान अपने सारे थ्रेड्स पिकअप करता है, क्योंकि आगे बढ़ने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि जो साथ में चल रहे हैं उनके साथ ज़िंदगी सही तरीके से जीना बहुत ज़रूरी है। यू नो द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट यू लीड कैनॉट बी जस्ट क्राइंग। वो जो चले गए हैं उसका वो जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन बढ़ना तो है, और मैंने भी ठानी आगे बढ़ने की, और फिर हियर आई एम।